ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वहाँ सभी ह्यूमंस अपना काम कर रहे होते हैं, सब खुशी मजे से चल रहा होता है। पर एक दिन अचानक से आसमान में एक चमकदार तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और वो रोशनी पूरी दुनिया को अपने अंदर कवर कर लेती है। और उस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस उस समय काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई हवाई जहाज उड़ा रहा होता है, कोई जहाज चला रहा होता है, कोई गाड़ी चला रहा होता है, वो सभी ह्यूमंस उसी टाइम पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगते हैं। और ये टाइम उस दुनिया में इतना बुरा होता है कि सारे ह्यूमंस तो पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं और वहाँ कोई भी ह्यूमन नहीं होता है, जिससे वहाँ इतनी तबाही होती है जैसे कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है, जिससे बहुत ब्लास्ट होता है और रोड एक्सीडेंट होते जाते हैं इस तरह। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक धमाकेदार न्यू एनिमे की जो अभी हिंदी डब हुआ है। एक ऐसा एनिमे जिसकी स्टोरी इतनी यूनिक और मजेदार है, जैसे आजकल जो एनिमे चल रहे हैं उसमें कोई एक्शन ज्यादा होता है, किसी में कोई पावर यूज कर रहा है, पर इसी एनिमे में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक हाई स्कूल छात्र होता है जो उस दुनिया में सबसे पहले पत्थर की मूर्ति से ह्यूमन में बदलता है। उसका नाम होता है सेनकू, और यही बंदा सेनकू एक साइंटिफिक लड़का होता है जो उस दुनिया में, मतलब कि पत्थर की दुनिया में अपनी साइंटिफिक दुनिया बनाना चाहता है। अब ये अकेला तो साइंटिफिक दुनिया नहीं बना सकता है, तो इसलिए ये अपने दोस्त जिसका नाम ताइजू है उसको भी पत्थर की मूर्ति से आजाद कर देता है। अब हाँ, ये दोनों दोस्त जिसमें से एक के पास है साइंटिफिक दिमाग और ढेर सारा ज्ञान और दूसरे के पास है बेहिसाब शक्ति। अब साइंटिफिक दिमाग और पावर ये दोनों मिलकर उस दुनिया को अब एक साइंटिफिक दुनिया में बनाना चाहेंगे। तो ये है इस एनिमे का थोड़ा बहुत स्टोरी। अगर आपने भी अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है जिसमें भर भर कर साइंटिफिक चीजें दिखाई गई हैं, कैसे बताया गया है कि आदि काल में कैसे लोग रहा करते थे, कैसे साइंटिफिक चीज का आविष्कार हुआ, कैसे बिजली बनी, बल्ब बने, इस एनिमे में सब दिखाया गया है, जिसमें अपना सेनकू इस सब चीजों को खुद से बनाता है उस आदि काल में। इस एनिमे में हमें भर भर कर एडवेंचर, साइंटिफिक चीजें, कैसे आविष्कार होते हैं, कैसे एक साइंस का बंदा किस तरह से साइंस से अनोखी चीजें बनाता है। भाई उस काल में तो साइंस की चीजें बनाना बहुत अनोखी बात थी ना, इसलिए ये देखने में भी काफी बढ़िया लगता है कि एक हाई स्कूल का छात्र किस तरह एक साइंटिफिक दुनिया को बनाना चाहता है। और इसमें एक विलन भी है, पर उसका तो रहने दो, ज्यादा ही वो हो जाएगा फिर। तो अब आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो आप देखो, ये हिंदी डब में भी है। इसके अभी सीजन 1 में 12 एपिसोड आए हैं और 12 एपिसोड 26 जून को आएंगे, तो देखो जब तक आराम से। तो मैं इस वीडियो से ही बताता हूँ कि मैं अपनी AMB को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो जब भी मेरी नेक्स्ट AMB आएगी तो उसमें कुछ अलग सा होगा, तो देखना। हाँ एक और बात, मेरा जो गेमिंग चैनल है मैं उसको एडिटिंग चैनल में बदल रहा हूँ, और उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर किसी एनिमे के, तो तब तक के लिए गुड बाय।